एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकंड, फॉर्म द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। हमने क्या लीनियर इक्वेशन बनानी है जो हमें प्रॉब्लम गिवन दी गई है, उसका सलूशन निकालना है किसी भी अलजेब्रिक मेथड से। जैसे हमने किया था फर्स्ट पार्ट वैसे ही हम करेंगे सेकंड पार्ट। ए फ्रैक्शन बिकम 1/3, हमें पता है फ्रैक्शन क्या होती है, जो भी रेशियो में होती है 1/2, 1/3। तो मैंने जो फ्रैक्शन लेट कर ली वो कर ली x ओवर y। ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन a इज सबट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर हम ऊपर वाली फिगर को कहते हैं, डिनोमिनेटर हम नीचे वाली फिगर को कहते हैं। a हम कम कर देंगे जब डिनोमिनेटर से, तो जो उसकी फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आएगी 1/3। तो इसे हम करेंगे सॉल्व एंड निकालेंगे लीनियर इक्वेशन x-1=y, 3x-3=y, 3x-y=3। तो ये होगी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में 8 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4x=y+8। 4x-y=8 इज सेकेंड लीनियर इक्वेशन। हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशन है। अब इसे मैं सॉल्व किस मेथड से करूं कि मेरे लिए इजी रहे। सबसे इजी मेथड है एलिमिनेशन मेथड। बट उसमें क्या होना चाहिए, ये एक्स और वाई किसी के भी कोफिशिएंट होने चाहिए इक्वल। यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट क्या है -1, यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट क्या है -1, दोनों के कोफिशिएंट क्या है इक्वल है। तो मेरे लिए सबसे इजी मेथड है एलिमिनेशन मेथड, तो वही मैं अभी यूज करूंगा। अब हम करेंगे सबट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से। तो जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी, 3x-y=3। एंड सेकंड क्वेश्चन मेरे पास थी 4x-y=8। तो इनके करूंगा मैं साइन चेंज, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस। तो जो कटता है वो कट जाएगा। यहाँ पर -4x+3x क्या हो जाएगा x, वो भी माइनस का। यहाँ पर -8x+3x यहाँ पर हो जाएगा -5, कट जाएगा तो आ जाएगी x की वैल्यू 5। इसे हम करेंगे पुट इन 1। जो हमारे पास फर्स्ट लीनियर क्वेश्चन थी वो क्या थी, 3x-y=3। अब x की जगह मैं कर दूंगा पुट, तो यहाँ पर आ जाएगी y की वैल्यू। तो मैंने फ्रैक्शन ही निकालनी थी तो इससे निकल जाएगी 3-15-y=-12। -y कट जाएगा तो y=2 आ जाएगा 12। तो फ्रैक्शन क्या हुई यहाँ पर, तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हुई x की वैल्यू है 5 एंड y की वैल्यू क्या 12। यही इसका है आंसर।